वेलकम टू एबीसी कैंपस आज हम आई सिक्सटीन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में रिवेलूशन की अकाउंटिंग को फोकस करेंगे और जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं वो दो तरह की हो सकती हैं इसमें लेट्स डिस्कस दैट सो व्हेन एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज रिवेल्यूड कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट एसेट इज एडजस्टेड तो जब एसेट की रिवेल्यूशन uh, होती है तो या तो उसकी अमाउंट इंक्रीज होनी होती है या डिक्रीज होनी होती है तो कैरिंग अमाउंट एसेट की एडजस्ट होती है ये टू वेज हैं जिसमें से किसी एक वे से आपने इसको एडजस्ट करना होता है और दोनों वेज से जो अल्टीमेट इम्पैक्ट है गेन और लॉस का और एसेट की अल्टीमेट अमाउंट का वो सेम होता है पहला वे जो है दैट इज प्रोपोर्शनेट रीस्टेटमेंट इस मेथड में पहले स्टेप के अंदर हम एसेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं इंक्रीज करेंगे तो डेबिट कर देंगे एसेट को और डिक्रीज करना होगा तो क्रेडिट कर देंगे उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को चेंज करते हैं स्टेप टू में अगर लॉस हुआ हो तो उसे डेबिट कर देते हैं और अगर गेन हुआ हो तो क्रेडिट कर देते हैं और स्टेप थ्री जो कि लास्ट स्टेप है जो बैलेंसिंग फिगर होती है उसे एज इक्यूमलेटेड डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं तो इक्यूमलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी एडजस्ट हो जाती है सम टाइम इंक्रीज एंड सम टाइम डिक्रीज तो स्टेप वन में आपने एसेट की अमाउंट को एडजस्ट करना है स्टेप टू में गेन और लॉस रिकॉर्ड करना है स्टेप थ्री के अंदर डेप्रिसिएशन को एज अ बैलेंसिंग फिगर एडजस्ट करना है ये मेथड बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है कि आप की रिवेल्यूशन से लेट से कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो आप एसेट की जो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है कॉस्ट है उसको भी इंक्रीज कर देते हैं इक्यूमिलेटरी डेप्रिसिएशन को भी इंक्रीज कर देते हैं और इस तरह से उसकी जो नेट अमाउंट है नेट कैरिंग अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो जाती है सेकेंड मैथड हमारे पास है जिसे एलिमिनेशन ऑफ इक्यूमिलेटरी डेप्रिसिएशन कहते हैं इस मैथड में इस दो स्टेप हैं पहला स्टेप है एलिमिनेशन जिसमें हम इम्यूनिटी डेप्रिसिएशन को ख़त्म कर देते हैं अब इकमिटी डेप्रिसिएशन का नॉर्मल बैलेंस क्योंकि क्रेडिट होता है तो उसको जीरो करने के लिए हम उसे जितनी भी उसकी अमाउंट होती है उतने से डेबिट कर देते हैं और एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं इस तरह से एसेट नेट वैल्यू पर शो होने लग जाता है रिवेलेशन से पहले देन स्टेप टू में अगर लॉस हो तो लॉस डेबिट हो जाता है और एसेट क्रेडिट हो जाता है इस तरह से एसेट की वैल्यू मजीद कम हो जाती है और अगर स्टेप टू ही अगर गेन हो क्योंकि या लॉस होगा या गेन होगा तो स्टेप टू में अगर गेन हो तो गेन हमारा क्रेडिट होता है और एसेट अकाउंट डेबिट हो जाता है तो ये एंट्री हम पास करते हैं तो एलिमिनेशन के साथ या तो आप लॉस वाली एंट्री पास कर रहे होंगे या फिर आप गेन वाली एंट्री पास कर रहे होंगे अब कॉमनली जो मेथड यूज किया जाता है वो एलिमिनेशन ऑफ इक्यूमिलिटी डेप्रिसिएशन मैथड को ही हम यूज करते हैं और इसी मैथड की बेस पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं इस वीडियो के अंदर तो हम खैर दोनों मेथड से कुछ शुरू में क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे एलिमिनेशन ऑफ इक्यूमलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड ज्यादा बेहतर इसलिए समझा जाता है क्योंकि अगर एग्जाम में इंफॉर्मेशन कम भी हो तो एलिमिनेशन ऑफ इक्यूमिलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड यूज किया जा सकता है जबकि प्रोपोर्शनेट रीस्टेटमेंट के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमने एसेट की ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को किस तरीके से एडजस्ट करना है जब क्वेश्चन में वो डाटा गिवन नहीं होगा तो हमारे लिए प्रोपोर्शनेट रीस्टेटमेंट पॉसिबल नहीं होगी जबकि एलिमिनेशन ऑफ इक्यूमिलिटी डेप्रिसिएशन मैथड क्विक भी है और इसके मुकाबले में दूसरी तरफ ये भी कि इसमें डाटा कम भी हो तो हमें यानी लाइक ग्रॉस कैरिंग अमाउंट की एडजस्टमेंट ना भी गिवन हो सिर्फ नेट वैल्यू गिवन हो तो हम फिर भी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं अब अकाउंटिंग एंट्रीज अगर लॉस हो जाए तो हम इन स्टेप्स को इम्पलीमेंट करेंगे प्रोपोर्शनेट रीस्टेटमेंट और एलिमिनेशन मेथड को तो इनको लॉस की सूरत में कैसे डील करना है एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं तो एग्जांपल वन है राशिद लिमिटेड ओन द ग्रुप ऑफ एसेट द कॉस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ एसेट इज रुपीज मिलियन एंड इक्यूमिलेटेड एप्रिसिएशन टू द डेट यानी अब तक जो इक्यूटेड एप्रिसिएशन है दैट इज रुपीज ट्वेंटी मिलियन और एसेट जो नेट है वो थर्टी मिलियन पर शो हो रहा है एंटिटी हैज़ मेयर्ड फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज ट्वेंटी फाइव मिलियन फॉर दिस एसेट यानी रिवैल्यू किया और जो हमारा एसेट है वो ट्वेंटी फाइव मिलियन का हो गया इट मीनस के फाइव का लॉस हो गया बाई डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैथड ग्रॉस रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिक्सटी मिलियन है यानी अगर ऐसा न्यू एसेट खरीदा जाए जिसकी इस वक्त वैल्यू ट्वेंटी फाइव मिलियन है क्योंकि वो पुराना है लेकिन अगर ऐसा नया एसेट खरीदा जाता तो वो सिक्सटी मिलियन का है तो ये डाटा जो ग्रॉस रिप्लेसमेंट कॉस्ट का डाटा है इस तरह का डाटा या इसकी इसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी तो हम प्रोपोर्शनेट रिस्टेटमेंट कर सकेंगे रिक्वायर्ड क्या है कि जर्नल एंट्रीज पास करें दोनों मैथड से प्रोपोर्शनेट रिस्टेटमेंट से भी और एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमिटी एप्रिसिएशन मैथड से भी सो लेट स्टार्ट अगर हम प्रोपोर्शनेट रिस्टेटमेंट मैथड को फॉलो करते हैं तो स्टेप वन है कि हमने एसेट की वैल्यू को एडजस्ट करना है अब एसेट की वैल्यू को हमने कैसे एडजस्ट करना है कि हमारा एसेट ऑलरेडी फिफ्टी पर आ रहा है और हमने उसको सिक्सटी पर लेकर जाना है तो टेन मिलियन से डेबिट कर देंगे दूसरा स्टेप यह है कि हमने लॉस रिकॉर्ड करना है तो लॉस फाइव मिलियन का जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था इसको भी हम डेबिट कर देंगे और जो डिफरेंस है वो अक्यूमलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा दैट इज़ फिफ्टीन मिलियन तो ये हमारी अकाउंटिंग एंट्री पास हो जाएगी उसके बाद हम एलिमिनेशन ऑफ इक्यूमिलटी डेप्रिसिएशन मेथड को देखते हैं एलिमिनेशन ऑफ इक्यूमेटी डेप्रिसिएशन मेथड में दो स्टेप में काम होगा तो पहला स्टेप तो ये है कि हम इक्यूलेटी डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर देंगे ये जो ट्वेंटी मिलियन की इक्यूमलेटरी डेप्रिसिएशन है इसको हमने डेबिट किया और एसेट को क्रेडिट कर दिया तो ये हमारी एक एंट्री हो गई और स्टेप टू में हम लॉस रिकॉर्ड कर देंगे फाइव मिलियन का जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है तो लॉस डेबिट होगा और एसेट क्रेडिट हो जाएगा अब ये तो हमने एंट्रीज तो पास कर ली लेकिन इसका इम्पैक्ट किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा और ये इंपैक्ट से हमने ये भी समझना है कि कैसे ये दोनों मैथड सेम चीज अचीव कर रहे हैं तो अगर हम प्रपोर्शनी ट्री स्टेटमेंट को के इंपैक्ट को देखें तो आप देखें कि हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को टेन मिलियन से डेबिट किया फिफ्टी का था टेन से डेबिट हुआ सिक्सटी का हो गया हमारा फाइव मिलियन का लॉस है तो हमारा एसेट फाइव मिलियन से कम हो जाना चाहिए तो आप देख रहे हैं कि थर्टी का एसेट था फाइव से कम होके गया ट्वेंटी फाइव का हो गया इकम्यूनिटी डेपेशिएशन को हमने 15 मिलियन से जो है क्रेडिट किया तो इकम्यूनिटी डेपिसिएशन का बैलेंस क्योंकि क्रेडिट ही होता है तो क्रेडिट होने से वो इंक्रीज़ हो जाएगी 20 की ऑलरेडी थी 15 से मजीद क्रेडिट हुई तो 35 की हो गई अब हमारा एसेट जो है इस वैल्यू पर शो हो रहा है तो फाइनलीसेट ट्वेंटी फाइव की फेयर वैल्यू पर ही शो हो रहा है और एसेट की कॉस्ट की अमाउंट भी इंक्रीज हो गई और डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज हो गई यानी प्रपोर्शनेटरी रीस्टेटमेंट हो गई उसी हिसाब से कॉस्ट बढ़ गई और उसी हिसाब से इक्यूनिटी डेप्रिसिएशन भी बढ़ गई सेम चीज को अगर एलिमिनेशन ऑफ इक्यूमलेटी डेप्रिसिएशन मैथड में देखें तो वहां पर सिचुएशन यह है कि आपने इक्यूमिलेटी डेप्रिसिएशन को तो जीरो कर दिया तो जीरो हो गई और आपका जो एसेट है वो ट्वेंटी मिलियन से भी क्रेडिट हुआ फाइव से भी क्रेडिट हुआ ट्वेंटी और फाइव से क्रेडिट होकर फिफ्टी से वो आ गया ट्वेंटी फाइव पर और फिर नेट ट्वेंटी फाइव पर शो हो रहा है ओवरऑल जो डिक्रीज है एसेट का वो फाइव का ही है तो यहाँ पर दोनों मैथड्स में देखें कि अल्टीमेटली एसेट ट्वेंटी फाइव पर ही शो हो रहा है और अल्टीमेटली एसेट के अंदर जो लॉस रिकॉर्ड हो रहा है वो भी फाइव का हो रहा है तो दोनों मैथड सेम चीज़ अचीव करते हैं अब ये हमने अकाउंटिंग एंट्रीज लॉस के ऊपर रिकॉर्ड की थी अगर गेन की सिचुएशन में रिकॉर्ड करें तो क्या सिचुएशन होगी वो देखते हैं तो अकाउंटिंग एंट्रीज इन द सिचुएशन ऑफ गेन में फिर हम एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं सिमिलर एग्जांपल है तकरीबन साजिद लिमिटेड द ग्रुप ऑफ एसेट्स कॉस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ एसेट इज फिफ्टी मिलियन एंड टू द डेट एकटेडीज ट्वेंटी मिलियन यानी नेट थर्टी मिलियन का शो हो रहा है एंटिटी ने फेयर वैल्यू मैयर की विच इज नाटी फाइव मिलियन

फोटी फाइव मिलियन का हो गया यानी गेन जो है दैट इज़ फिफ्टीन मिलियन तो फिफ्टीन मिलियन का गेन रिकॉर्ड कर लिया अब गेन जब फिफ्टीन मिलियन का रिकॉर्ड हुआ तो साथ ही और क्या रिकॉर्ड होना चाहिए अब इक्यमिटी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए तो इक्यमिटी डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड कर देंगे जो डिफरेंस है फोर्टी और फिफ्टीन का फि ट्वेंटी फाइव मिलियन तो ये हमारी स्टेप वन टू थ्री से प्रोपोर्शनट्री स्टेटमेंट जो है वो अप्लाई हो गई अब इसको अगर हम एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हमें depreciation 20 million की खत्म कर देनी है। तो depreciation debit and asset credit. दूसरे नंबर पर हमने गेन रिकॉर्ड करना है gain 15 million का है, gain credit होगा और एसेट डेबिट हो जाएगा तो एसेट डेबिट एंड गेन क्रेडिट अब ये एंट्रीज भी पास करके वंस अगेन हम इफेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि दोनों मेथड में सेम इंपैक्ट कैसे क्रिएट होता है तो फर्स्ट मेथड प्रोपोर्शनेट रीस्टेटमेंट में अगर आप देखें तो एसेट को हमने 40 मिलियन से इंक्रीज़ किया जिसके बाद हमारा एसेट 90 पर शो होने लग गया हमने 15 मिलियन की गेन के बाद हमारा एसेट नेट 45 पर शो होना चाहिए तो वो 15 का ही गेन हमने रिकॉर्ड किया एक्यूमलेटी डेपोसिशन 25 से क्रेडिट हुई तो क्रेडिट होके इंक्रीज़ हो जाएगी ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फाइव हो जाएगी तो एसेट अल्टीमेटली फोर्टी पर शो हो रहा है एलिमिनेशन मैथड में इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो इक्यूलेटरी एप्रिसिएशन ट्वेंटी मिलियन से डेबिट हो रही है यानी कम हो गई और उसके बाद ज़ीरो की शो होगी जबकि जो कॉस्ट है वो ट्वेंटी मिलियन से कम हुई फ़िफ्टीन मिलियन से इंक्रीज़ हुई तो माइनस ट्वेंटी प्लस फ़िफ्टीन फिफ्टी माइनस ट्वेंटी प्लस फ़िफ्टीन ये हमारे पास फोर्टी फाइव आ जाएगा और एसेट नेट फिर फोर्टी फाइव पर ही शो हो रहा है और जो उसमें गेन रिकॉर्ड हो रहा है वो भी फिफ्टीन का ही रिकॉर्ड हो रहा है थर्टी टू फोर्टी फाइव तो दोनों मेथड्स में से आप किसी भी मेथड को यूज़ करें तो ये ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का चेंज है इसके अंदर जो प्रॉफिट और लॉस या अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में फिगर जाएगी वो गेन और लॉस की फिगर चेंज नहीं हो रही एसेट की अल्टीमेट फिगर चेंज नहीं हो रही सिर्फ आप एसेट को किस तरीके से किन वैल्यूज़ पर प्रेजेंट करेंगे वो ज़रूर चेंज हो रहा है और ये एंटिटी के पास चॉइस होती है कि वो इनमें से कौन सी मेथड को यूज़ करना चाहती है कुछ सिचुएशंस में प्रोपोर्शनेट री स्टेटमेंट एक अप्रोप्रिएट मेथड होता है जहाँ खास तौर पे ये जो हम देख रहे हैं कि डप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड यूज़ किया जाए अदरवाइज़ ज़्यादातर जो है वो एलिमिनेशन ऑफ इक्यूमिलिटी डेप्रिसिएशन मेथड ही यूज़ किया जाता है क्योंकि सम टाइम्स प्रोपोर्शनेट री स्टेटमेंट के लिए ये जो डाटा है ग्रॉस रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाला ये अवेलेबल नहीं होता या कह लेंगे एक अप्रोप्रिएट फिगर हमारे पास अवेलेबल नहीं होती समटाइम्स डेप्रिसिएशन ऑफ रिवेल्यूड एसेट इस पर जो बड़ा सिंपल एक कॉमन सेंस रूल है और वो ये है कि जब भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को आप रिवेल्यू करेंगे उसके बाद जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो न्यू वैल्यूएशन पर होगा और न्यू यूजफुल लाइफ पर होगा अगर चेंज हो गई है तो अगर रिवेलेशन हुई है और फिर यूज़फुल लाइफ भी चेंज हो गई है क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब रिवेलेशन की जाती है तो साथ ही रिव्यू किया जाता है यूज़फुल लाइफ को रेजिडल वैल्यू वगैरह को और यूज़फुल लाइफ और रेजिडल वैल्यू भी चेंज हो जाती हैं तो फिर न्यू यूज़फुल लाइफ और न्यू रेजिडल वैल्यू के मुताबिक आप डेप्रिसीन चार्ज करेंगे सो ओल्ड वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी लेकिन जो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है रिवेलेन से पहले दैट्स फाइन सो आफ्टर द रिवेलेशन यूज़ न्यू वैल्यू न्यू यूज़फुल लाइफ एंड न्यू रेजिडल वैल्यू अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट और टेक्निकल इशू आ जाता है आई एस सिक्सटीन की रिवेल्यूशन से रिलेटेड वो ये है कि हमने गेन और लॉस को रेकग्नाइज कहाँ करना है अब रेकग्नाइज कहाँ करना है कि मतलब है कि हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का एक फॉर्मेट ये आपके सामने बना हुआ है जो टिपिकली हम बनाते हैं अब इनिशियल जो स्टडीज़ होती हैं उसमें हम प्रॉफिट की फिगर तक नॉर्मली कैलकुलेशंस करते हैं लेकिन जो कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ कंप्रेंसिव इनकम है उसमें प्रॉफिट और लॉस के बाद अदर कम्परीहेंसिव इनकम का सेक्शन भी होता है और उसके बाद टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम कैलकुलेट होती है जो स्टेटमेंट का फाइनल टोटल है अब स्टेटमेंट के अंदर दो मेन पोर्शन हैं एक पोर्शन को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस दूसरा पोर्शन कहलाता है अदर कम्परीहेंसिव इनकम और इसको शॉर्टली समटाइम हम ओ सी आई भी कह देते हैं और इसी तरह प्रॉफिट और लॉस को एस पी एल या जस्ट पी एंड एल भी लिख दिया जाता है तो ये समटाइम्स हम एकम्स एंड एब्रीविएशन आगे यूज कर रहे होंगे आसानी के लिए तो ये अब जो आई एस सिक्सटीन इस बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि किस सिचुएशन में हमने जो गेन और लॉस है उसको जो है अपनी फॉर एग्जाम्पल अगर गेन होता है तो उसे कब अदर इनकम का हिस्सा बनाना है यानी प्रॉफिट और लॉस में या लॉस है तो उसे कब एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का हिस्सा बनाना है और कब गेन या लॉस को आपने अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का हिस्सा बनाना है अब कॉन्सेप्ट जो है प्रॉफिट और लॉस और अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम का ये है कि वैसे तो इसकी और भी बहुत सारी लॉजिक्स हैं यानी अदर कंप्रीहेंसिव इनकम को सिर्फ इस पॉइंट पर हम डिफाइन नहीं कर सकते लेकिन फॉर रिवेलेशन परपजेज कि जो गेन और लॉस रियलाइज कंसिडर होता है वो प्रॉफिट और लॉस में प्रेजेंट किया जाता है और जो गेंस ऐसे होते हैं जो अनरियलाइज कंसीडर होते हैं वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिप्रेजेंट होते हैं अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में और भी कुछ आइटम्स आते हैं रिवेल्यूशन के अलावा और उनकी लॉजिक जो है रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड के अलावा भी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल इसमें इंप्लाय बेनिफिट के रीमाइयरमेंट कंपोनेंट भी आता है तो दैट इज सम अदर रीजन कैश फ्लो हैज रिजर्व भी आता है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से ओ सी आई में लेकर जाते हैं और इन्वेस्टमेंट्स कुछ होती हैं जिनका गेन इसके अंदर लेकर जाया जाता है सो देर आर अदर रीजन्स टू बट यहाँ पर जो रिवेल्यूशन है इसमें रीज़न जो है वो यही है कि प्रॉफिट और लॉस के अंदर तब हम गेन और लॉस लेकर जाते हैं जब वो रियलाइज हम कंसीडर कर रहे होते हैं और अदर कम्प्रीहसिव इनकम में तब लेकर जाते हैं जब वो रियलाइज्ड कंसीडर हो रही होती है और इस पर आई सिक्सटीन कम्प्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करता है तो अब हम आई सिक्सटीन की जो गाइडेंस है वो देखेंगे ताकि जब हम प्रॉफिट और लॉस और ओ का डिफरेंस अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो ये रूल्स हैं कि गेन और लॉस किस सिचुएशन में कहाँ रिकगनाइज़ करना है अब ये रूल्स जो हैं आपको और रूल्स हैं इन टोटल और ये जहन में रखने पड़ेंगे इन रूल्स के बगैर अकाउंटिंग जो है या खासतौर पे जो एक एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन है प्रॉपर वो डील करना इम्पॉसिबल है तो अगर आपका एसेट एट कॉस्ट कैरी हो रहा है और आप उसको रिवैल्यू करते हैं और उसकी रिवेल्यूशन अपवर्ड हो जाती है यानी जो जितनी वैल्यू पर वो शो हो रहा था उससे ज़्यादा वैल्यू बन जाती है तो ये जो गेन आएगा ये अनरियलाइज्ड कंसीडर होगा इसको अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करेंगे और वहां से नाम से शो किया जाएगा लेट से आपका एसेट इस रिवेल्यूशन अपवर्ड होने के बाद रिवेल्यूशन सरप्लस के ऊपर शो हो रहा था और फिर जब आपने रिवेलेशन की तो वो रिवेल्यूशन डाउनवर्ड हो गई तो अब क्या करेंगे आप अब लॉस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि अपवर्ड में गेन आया वो आपने रिवेल्यूशन सरप्लस में ले गए ओ के थ्रू सेम वे में जब रिवेल्यू डाउनवर्ड होगा तो वो भी ओ में रिकॉर्ड होगा टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस इन रिवेल्यूशन सरप्लस अकाउंट जितना रिवेल्यूशन सरप्लस अकाउंट में बैलेंस होगा उस हद तक इसमें एक जो टेक्निकल पॉइंट आ जाता है समटाइम्स वो आता है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ये इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर कवर करेंगे और फिलहाल हम इस इम्पैक्ट के बगैर कुछ कैलकुलेशन को डिस्कस कर रहे होंगे लेकिन ये अल्टीमेटली आपने जहन में रखना है क्योंकि एग्जाम में ये इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट होता है सेकेंड ये होता है कि रिवॉल्यूशन सरप्लस में लेट से बैलेंस है टेन थाउजेंड का और जो हमारे पास लॉस आ गया वो फिफ्टीन थाउजेंड का आ गया ज्यादा का आ गया तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी फाइव थाउजेंड की वो फिर प्रॉफिट और लॉस में रिकोगनाइज की जाएगी क्योंकि जितना हमारा हम अनरियलाइज था वो हम रिवर्स कर देते हैं और फिर जो बाकी बचता है वो रियलाइज कंसीडर होता है लॉस की सूरत में प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है लॉस को हम रियलाइज कंसीडर कर रहे होते हैं गेन को अनरियलाइज कंसीडर कर रहे होते हैं तो प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है लॉस की वो फिर प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड की जाती है अगर कोई हो अगर टेन थाउजेंड का रिवेल्यूशन सरप्लस का बैलेंस है और डाउनवर्ड हुआ है सिर्फ एट थाउजेंड से तो एट थाउजेंड आप ओ में चार्ज कर दें टू थाउजेंड का बैलेंस रिवेल्यूशन सरप्लस में बाकी बच जाएगा फिर रूल्स हैं कि अगर एसेट कैरीड हो एट कॉस्ट और आप जब रिवैल्यू करें तो वो डाउनवर्ड हो जाए तो डाउनवर्ड हो गई तो लॉस हो गया लॉस रियलाइज कंसीडर होता है आप प्रॉफिट और लॉस में उस लॉस को रिकगनाइज कर देंगे उसके बाद लेट्स से कि जो डाउनवर्ड आपने रिवेल्यू किया हुआ था एसेट तो वो एसेट शो हो रहा था एट रिवेल्यूशन डेफिसिट जब आपने उसको फिर बाद में किसी टाइम पर रिवेल्यू किया तो अब वो अपवर्ड रिवेल्यू हो गया अब जब वो अपवर्ड रिवैल्यू हो गया तो उसको आपने क्योंकि उसका जो लॉस है आपने प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया हुआ है तो उसकी जो अब वैल्यू इंक्रीज़ हुई है कुछ हद हाँ तक तो वो लॉस रिवर्स हुआ है तो किस हद हाँ तक वो लॉस रिवर्स हुआ है जिस हद हाँ तक वो लॉस प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज़ किया जाएगा उसका रिवर्सल वो है टू द एक्सटेंट इट रिवर्सेज रिवेलशन डिक्रीज ऑफ सेम एसेट अब इसके लिए हम एक यूज़ करते हैं जो कैलकुलेशन दो तीन तरीके से यूज हो सकती है लेकिन जो सबसे इसमें से आसान मेथड रहेगा वो ये होगा कि जितना आपने रिवेल्यूशन लॉस पहले रिकॉर्ड किया था एट दिस पॉइंट माइनस डेप्रिसिएशन डिक्रीज ड्यू टू लॉस लॉस क्योंकि revelation loss के बाद एसेट की कैरिंग अमाउंट कम हो जाएगी तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन भी कम चार्ज हो रही होगी तो जितने से आपने लॉस रिकॉर्ड किया माइनस कर दें वो डेप्रिसिएशन जो लॉस की वजह से कम चार्ज हुई तो जो नेट अमाउंट होगी उतनी आप प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज कर सकते हैं उतना रिवर्सल और अपवर्ड की वजह से जो गेन आ रहा है तो वो रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस होगा और अगर इससे भी ज्यादा अमाउंट का आपका गेन है तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रेकग्नाइज होगी अब ये टोटल हमारे पास जो रूल्स बन जाते हैं ये फोर रूल्स बन जाते हैं वन टू थ्री एंड फोर अब वंस अगेन ऑब्वियसली रूल्स को इस तरीके से पढ़ने से तो रूल्स के ऊपर ग्रिप नहीं आएगी जब तक हम इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अब हम कुछ जो है एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं और उन एग्जाम्पल्स में इन रूल्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते हैं सिर्फ हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वाला इम्पैक्ट अभी कवर नहीं कर रहे होंगे इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम पास्ट एग्जाम के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते होंगे सो एग्जाम्पल है एक ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एम लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग फॉर रूपीज वन हंड्रेड थाउजेंड विद नील रेजबल वैल्यू एंड टेन ईयर्स यूजफुल लाइफ द कंपनी पॉलिसी इज़ नॉट टू ट्रांसफ़र इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन अभी क्लियरली बता दिया कि एन टिटी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र नहीं करती तो uh, हम भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे अभी इसके बगैर हम कंसिडर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कंसिडर करेंगे कि अगर एन टी टी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र करती है तो फिर क्या करेंगे लेकिन फॉर द टाइम बिंग दिस तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें वन हंड्रेड थाउजेंड की वैल्यू और टेन ईयर्स की यूज़फुल लाइफ ईयर एंड जो फर्स्ट है थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एसेट को रिवैल्यू किया गया और उसकी वैल्यू वन जीरो एट थाउजेंड आ गई यानी अपवर्ड रिवैल्यू हो गया ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ड्यू टू स्लम्प इन द प्रॉपर्टी मार्केट द बिल्डिंग वॉज अगेन रिवैल्यूड फिर नेक्स्ट ईयर फिर रिवैल्यूशन कर ली क्योंकि वैल्यू में काफ़ी चेंज आ गया था बट दिस टाइम द वर्थ वाज ऑन द रुपीज फिफ्टी फाइव थाउजेंड तो पहले हमें एक इंक्रीज नज़र आ रहा है और फिर बाद में डिक्रीज नज़र आ रहा है तो रिक्वायरमेंट ये है कि जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर ऑल द टू इयर्स थ्रू आउट द टाइम तो अब उन एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं तो जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले तो हमने जब एसेट परचेज किया तो उसको रिकॉर्ड करेंगे विच वुड बी बिल्डिंग एसेट डेबिट एंड कैश और बैंक क्रेडिट उसके बाद जब फर्स्ट ईयर एंड आएगा तो टेन ईयर्स की यूजफुल लाइफ की बेस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो हम एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे तो वन हंड्रेड थाउजेंड डिवाइड बाई टेन ईयर के हिसाब से हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आती है दैट इज टेन थाउजेंड इसकी एंट्री पास कर देंगे डेप्रिसिएशन डेबिट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट अब इस पॉइंट पर हमारे एसेट की रिवेलेशन हुई है वन जीरो एट थाउजेंड पर तो हमारा एसेट शो हो रहा था नाइनटी थाउजेंड पर और अब उस एसेट को हमने लेकर जाना है वन जीरो एट थाउजेंड पे तो ये जो वैल्यू का चेंज है कितना वैल्यू का हमारे पास चेंज आ रहा है नाइन्टी थाउजेंड से जब आपका एसेट वन जीरो एट थाउजेंड का हो जाएगा तो इट मीनस यू हैव अ गेन ऑफ एटीन थाउजेंड अब हम अपनी रिवेल्यूशन को रिकॉर्ड करते हैं तो रिवेल्यूशन में हमारे दो स्टेप हैं पहला स्टेप है जिसमें हमने इक्यूमलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना है तो हमारी टेन थाउजेंड की इक्यूमलेटेड डेप्रिसिएशन है इसको एलिमिनेट कर देते हैं यानी इक्यूमलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट इस तरह से डेप्रिसिएशन हमारी जीरो हो जाएगी उसके बाद हमने एसेट को एटीन थाउजेंड से इंक्रीज करना है और उस पर जो है गेन रिकॉर्ड करना है तो बिल्डिंग डेबिट गेन ऑन रिवेल्यूशन क्रेडिट और ये नोटिस करें कि हमने गेन कहाँ रिकॉर्ड किया हमने अदर इनकम में रिकॉर्ड किया क्यों क्योंकि गेन अनरियलाइज कंसीडर होगा वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड नहीं होगा उसे अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करना होगा जब हमने ये रिकॉर्ड कर लिया तो इसके बाद एसेट जो है देखें पहले आपने एसेट को 100 से 90 पर लेकर गए और फिर 90 से 108,000 पर लेकर गए तो 18,000 का गेन रिकॉर्ड कर लिया नाउ लेट्स सी कि नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट ईयर ये है कि एसेट की टेन ईयर्स की लाइफ में से एक साल की लाइफ गुजर चुकी है रिमेनिंग लाइफ है नाइन ईयर तो वन जीरो एट थाउजेंड डिवाइड बाई नाइन ईयर्स हमारे पास जो डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर की आती है दैट इज़ ट्वेल्व थाउजेंड तो थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी टू को हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेंगे डेप्रिसिएशन डेबिट इक्यूमिलेलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट ट्वेल्थ थाउजेंड दिस टाइम क्योंकि वन जीरो एट को नाइन ईयर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करें जोजफुल लाइफ चेंज नहीं हुई तो ट्वेल्व थाउजेंड की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी अब हमारा नेक्स्ट इशू क्या है नेक्स्ट इशू ये है कि इस वक्त हमारा एसेट कितने का शो हो रहा है नाइन्टी सिक्स थाउजेंड का वन जीरो एट थाउजेंड का जो हमने रिवेल्यू किया था और ट्वेल्व थाउजेंड की अब डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुई अब सिचुएशन ये है कि सेकेंड ईयर में जब हमने दोबारा रिवेल्यूशन की तो एसेट की वैल्यू फिफ्टी फाइव थाउजेंड हो गई है एंड दैट मीन्स कि एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आया है कितने से डिक्लाइन आया है फोर्टी वन थाउजेंड से लॉस हुआ है अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे वंस अगेन हमारा पहला स्टेप तो ये होगा कि हम एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर दें तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट तो एसेट को हम 108 से 96 पर ले आए और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन जीरो कर दी अब 41,000 का जो लॉस है इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाए अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जितना बैलेंस है उतना ही बैलेंस रिवेल्यूशन सरप्लस में है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को हमने इग्नोर करना है तो जित इसमें आसानी ये होती है कि फिर जितना आपने रिवेल्यूशन का गेन रिकॉर्ड किया होता है उतना ही रिवेल्यूशन सरप्लस का बैलेंस होता है तो रिवेल्यूशन सरप्लस का बैलेंस है एटीन थाउजेंड सो फोर्टी वन थाउजेंड में से एटीन थाउजेंड जो है वो तो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होगा और बाकी जो ट्वेंटी थ्री थाउजेंड है वो फिर जो एक्स्ट्रा है वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा तो इसको अब रिकॉर्ड करते हैं देखें है तो दोनों ही लॉस तो लॉस में डेबिट होना है तो जितना ओ से रिलेटेड है एटीन थाउजेंड वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में डेबिट होगा और जो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है वो प्रॉफिट और लॉस में डेबिट होगा तो लॉस दोनों ही जगह पे डेबिट ही होगा तो टोटल फोर्टी वन थाउजेंड से ही डेबिट हुआ और एसेट को फोर्टी वन थाउजेंड से हम क्रेडिट कर देंगे तो ये हमारी एंट्रीज जो हैं वो कंक्लूड होंगी और इसमें जो हमने पॉइंट्स अपने पढ़े थे उसके अंदर ये कि अगर आपके पास गेन आता है तो जो हमने सिचुएशन थोड़ी देर पहले पढ़ी उसमें से फर्स्ट सिचुएशन एंड सेकेंड सिचुएशन को रिवेलेशन दोनों को हमने इस एक एग्जाम्पल के अंदर कवर किया अब हम चलते हैं रिकग्नेशन ऑफ गेन और लॉस को के बाकी थर्ड एंड फोर्थ सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और एग्जांपल हम देखेंगे सिमिलर ही तकरीबन होगी लेकिन डाटा अब स्विच करेंगे ऑन फर्स्ट जनवरी 2021 जे लिमिटेड परचेज प्रोमिस फॉर रुपीज वन हंड्रेड थाउजेंड विद नील रेजिडल वैल्यू एंड टेन ईयर यूजफुल लाइफ ऑन थर्टी दिसंबर जो फर्स्ट ईयर एंड है बिल्डिंग को रिवेल्यू किया गया तो फॉर की हो गई यानी वैल्यू डिक्लाइन हो गई On 31st December 2022, due to surge in the property market, the building was again revalued, but this time the worth was 92,000. So, फिर revaluation की तो अब value increase हो गई. तो requirement ये है कि journal entries pass करनी है for two years. तो अब situation क्या होगी? Let's see. सबसे पहले तो हमने जो asset purchase किया, उसकी entry record करेंगे. That would be asset debit and cash or bank credit. दूसरे नंबर पे टेन इयर्स की बेस पर हम इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं दैट इज़ टेन थाउजेंड रुपीज़ और इसकी एंट्री हम ईयर एंड पे पास कर देंगे डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट नेक्स्ट पॉइंट इज के अब हमारा एसेट सिक्सटी थ्री थाउजेंड पर रिवेल्यू हुआ यानी लॉस हुआ डाउनवर्ड रिवेल्यूशन हुई तो पोजिशन ये है कि हमारा एसेट शो हो रहा था नाइन्टी थाउजेंड पे और अब हमने उसको लेकर जाना है सिक्सटी थ्री थाउजेंड पे तो दैट मीन्स कि हमें जो लॉस रिकॉर्ड करना है दैट इज़ ट्वेंटी सेवन थाउजेंड वंस अगेन रिवेल्यूशन के दो स्टेप होंगे पहले स्टेप पर हम इक्यूमिलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर देंगे टेन थाउजेंड से इक्यूमिलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट और फिर ट्वेंटी सेवन थाउजेंड का लॉस रिकॉर्ड कर देंगे क्योंकि ये लॉस फर्स्ट टाइम अराइज़ हो रहा है और लॉस जो है वो प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक रियलाइज कंसीडर होता है तो इसको प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया जाएगा तो रिवेल्यूशन समटाइम इसे इंपेयरमेंट लॉस भी आप कह सकते हैं ट्वेंटी सेवन थाउजेंड से डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट तो यहाँ पर अभी हमने क्योंकि आई एस थर्टी सिक्स नहीं पढ़ा तो अगर आप इम्पेयरमेंट को इग्नोर भी करना चाहें तो कर सकते हैं जस्ट राइट इट एज अ रिवेलुशन लॉस इन प्रॉफिट और लॉस और ट्वेंटी सेवन थाउजेंड का रिकॉर्ड कर दें अब लॉस और इम्पेयरमेंट लॉस टू डिस्कस इट ये uh, बाजू का सिमिलर नेचर के भी होते हैं और समटाइम्स इनमें डिफरेंस भी होता है तो जब हम आई एस थर्टी सिक्स डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम इनके डिफरेंसेस को भी डिस्कस कर लेंगे फॉर द टाइम बिंग यू कैन जस्ट राइट रिवेल्यूशन लॉस तो इसको हमने देखें कि प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया जब लॉस हुआ क्योंकि इसको हम रियलाइज कंसिडर कर रहे हैं वट इज़ आर नेक्स्ट स्टेप कि हम अब नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अब हमारा एसेट सिक्सटी थ्री थाउजेंड का हो चुका है और नाइन ईयर्स की लाइफ बाकी है टेन ईयर्स में से वन ईयर निकल गया तो सेवन थाउजेंड की हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी इस हिसाब से और डेप्रिसिएशन की हम एंट्री टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के एंड पे पास कर देंगे दैट इज़ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड इकम्यूनिटी डेप्रिसिएशन क्रेडिट अब जो इशू है वो ये कि हमारा एसेट इस टाइम पर कितने का शोर है इस टाइम पर अगर हम अपने एसेट को देखते हैं तो हमारा एसेट सिक्सटी थ्री थाउजेंड में से सेवन थाउजेंड की डेप्रिसिएशन चार्ज करके फिफ्टी सिक्स थाउजेंड का शो हो रहा है नाउ पोजीशन ये है कि एसेट की दोबारा जब वैल्यूशन की गई है तो दैट इज नाइन्टी टू थाउजेंड एंड इट मीन्स के हमारे एसेट पर अब गेन आ गया कितने का गेन आया थर्टी सिक्स थाउजेंड का क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये थर्टी सिक्स थाउजेंड का गेन हम कितना प्रॉफिट और लॉस को रिवर्स करेगा और कितना ये अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में रेकग्नाइज होगा अब इसकी दो टेक्निक्स हैं और पहले ज़रा मुश्किल वाली डिस्कस कर लेते हैं या वैसे दोनों ही मुझे तो आसान लगती हैं लेकिन हम दो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे आपको जो आसान लगे आप उसको फिर फॉलो कर सकते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे हमारी कोशिश होगी कि हम उसमें दोनों टेक्निक्स आपको करके दिखाएं ताकि आप किसी भी एक टेक्निक को यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ आप कॉप अप कर सकें पहली एक जो टेक्निक है वो तो ये है कि आप एसेट की वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अगर वो कभी रिवैल्यू ना हुआ होता यानी जिस तरह से वो कॉस्ट पर खरीदा था ओरिजिनल वन हंड्रेड थाउजेंड की और उसी हिसाब से डेप्रिशिएट हो रहा होता तो फिर क्या पोजीशन होती तो फिर पोजीशन होती कि वो वन हंड्रेड थाउजेंड का था दो साल में उसकी टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड ईच ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज होती तो वो एटी थाउजेंड का शो हो रहा होता तो एक वैल्यू है जो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड से एटी थाउजेंड तक है दूसरी वैल्यू है जो एटी थाउजेंड से नाइन्टी टू थाउजेंड तक है तो 56 से 80,000 तक ये वैल्यू बनती है 24,000 ये आप प्रॉफिट और लॉस में मैक्सिमम रिवर्स कर सकते हैं अब 80 से 92 टू क्योंकि रिवेल्यूशन मॉडल है तो एसेट 92 पर शो हो सकता है तो 80 से 92 तक जाने के लिए जो वैल्यू है दैट इज 12,000 और ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिफ्लेक्ट की जाएगी तो एक तरीके कार तो यह है जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जी प्रॉफिट और लॉस में कितनी फिगर जानी चाहिए और अदर कंपनियां इनकम में कितनी फिगर जानी चाहिए और दूसरा कॉन्सेप्ट यह होता है कि हमने जो लॉस रिकॉर्ड किया था वो कितना किया था हमने लॉस रिकॉर्ड किया था ट्वेंटी सेवन थाउजेंड का फिर लॉस की वजह से हमने कितने से कम डेप्रिसिएशन चार्ज की थी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी सेवन थाउजेंड से अगर ये लॉस ना होता तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रही होती वो हो रही होती है टेन थाउजेंड की तो हमने थ्री थाउजेंड से कम डेप्रिसिएशन चार्ज की तो नेट कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो प्रॉफिट और लॉस में ये ट्वेंटी फोर थाउजेंड जाएगा और बाकी अगर कोई अमाउंट होगी तो वो अदर कम्प्रीसिव इनकम में जाएगी तो ये हमारी सेकेंड टेक्निक है तो इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे स्टेप रिवॉलेशन के सेम हैं पहले स्टेप के अंदर हमने सेवन थाउजेंड की इक्यूमिलिटी डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना है इक्यूमिलिटी डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट दूसरे स्टेप के अंदर अब हमें इस गेन को रिकॉर्ड करना है गेन को रिकॉर्ड करने का मतलब है कि हमारे एसेट की वैल्यू तो थर्टी सिक्स थाउजेंड से ही बढ़ी है और जो लॉस है जिस तरह से ये वर्किंग हमने यहाँ शो की सेम वर्किंग है कि ट्वेंटी सेवन थाउजेंड का लॉस था डेप्रिसिएशन का जो डिक्रीज था वो थ्री थाउजेंड का था नेट कर लें तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड बनता है बिल्डिंग को थर्टी सिक्स थाउजेंड से बढ़ा देंगे उसके बाद लॉस का जो रिवर्सल होगा वो ट्वेंटी फोर थाउजेंड से होगा अब चाहे आप उसको जो है इस मेथड से कैलकुलेट करें इस टेक्निक से कैलकुलेट करें या इस टेक्निक से कैलकुलेट करें और जो रिमेनिंग है वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होगा ट्वेल्व थाउजेंड तो रिवॉल्यूशन के क्वेश्चन करते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप गेन का रिवर्सल कर रहे हो या लॉस का रिवर्सल कर रहे हो तो ये आइडेंटिफाई जरूर करें कि कितना अमाउंट जो है वो प्रॉफिट और लॉस में रेकग्नाइज होगी और कितनी अमाउंट जो है वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रेकग्नाइज होगी तो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर सिचुएशन वन और टू को कवर किया था इस एग्जाम्पल uh, के अंदर हमने सिचुएशन नंबर थ्री एंड फोर को कवर किया है तो ऑल फोर पॉसिबिलिटीज़ जो एक रिवेल्यूशन के अंदर होती हैं वो हमने कवर कर ली हैं अदर देन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इफेक्ट इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इफेक्ट वुड बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो तो नेक्स्ट हम एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं और फिर इसको कंक्लूड करेंगे टैक्स इफेक्ट ऑफ रिवेल्यूशन जो है ये अब एक छोटा सा ये पॉइंट है कि ये आई सिक्सटीन के मुताबिक डील नहीं होता जो भी इफेक्ट ऑफ टैक्सेज ऑन इनकम होते हैं जो रिवेल्यूशन की वजह से राइज होते हैं वो आई एस टेल्व उस पर अप्लाई होता है आई एस ट्वेल्व इनकम टैक्सेज तो वो आई सिक्सटीन के मुताबिक नहीं आपने आई एस ट्वेल्व जब पढ़ेंगे तो उसके मुताबिक ही उसको रिकगनाइज करेंगे और उसके मुताबिक ही इसको डिस्क्लोज कर रहे होंगे सो so, ये आज के लिए आई सिक्सटीन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था दैट्स ऑल फॉर टूडे हैव अ गुड डे